औज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मौजूद सामिनों कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करें। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में मसूर की दाल देखना। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। हज़रत इमाम सीरीन रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि कोई शख्स ख्वाब के अंदर मसूर की दाल खाता है, इस बात की दलील है तबीर के लिहाज से बुरा है, गम की अलामत है, गम खाएगा। ख्वाब के अंदर पकी हुई मसूर की दाल खाना या देखना किसी मकसद में कामयाब होने, इज्जत में इजाफा होने की अलामत है और अगर कभी कच्ची देखे या खाए परेशानी की अलामत है। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स मसूर की दाल खाता है या उस शख्स के बुरा होने की निशानी है, परेशान होने की निशानी है, उसके साथ बुरा होने की कोई निशानी है, कुछ कुछ बुरा हो सकता है, इस चीज़ की निशानी है। हज़रत जाबिर मगवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ख्वाब में मसूर की दाल खाना ऐसा माल है तबीर के साथ, तबीर के लिहाज से ऐसा माल है जो साहब ख्वाब को औरतों की तरफ से मिलेगा, क्योंकि बनी इसराइल वाले जब मनोसलवा खा कर उकता गए थे तो उन्होंने अल्लाह ताला से मसूर, प्याज, लहसुन मांगा था। इसी तरह मसूर की दाल का खाना माल दौलत से भी दिया जाता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में मसूर की दाल सब्ज़ देखे, फ़ायदे की अलामत है। अगर अच्छी पकी ना हो या जर्द रंग की पकी हुई देखे तो बीमारी की अलामत है। दालें मसूर पर अहले तबीर वालों की राय है, कुछ राय है। दाल मसूर खाना देखना झगड़े की अलामत है, अफसुर्दगी की अलामत है, परेशानी की अलामत है। ख्वाब में दाल मसूर को ज़ाया कर देना, गिरा देना रिजक की बेकदरी और तकलीफ़ की अलामत है। ख्वाब में दाल मसूर की खाते हैं अगर कच्ची देखते हैं तो गम और दुख पर दलील है, अगर पकी हुई खाए तो झगड़ा फसाद की अलामत है। ऐसे शख्स को सदका और खैरात करना चाहिए की अलामत है ख्वाब में मसूर की दाल को खाना या साबत मसूर खाना। ख्वाब में मसूर और माश की दाल को देखना, इकट्ठे देखना गैर हलाल माल होने की अलामत है। अगर कोई मसूर या माश की दाल ख़रीद रहा है या घर में लेके आया है या पीस रहा है या खा रहा है या इस्तेमाल कर रहा है या दालों की बोरियां उसने देखी हैं ख्वाब में या किसी को खाते हुए देखता है, हराम माल खाने की अलामत है। गम और तकलीफ उसे पहुँचेगी, हराम माल कमा कर घर लेके आएगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई नेक आदमी ख्वाब में मसूर की दाल देखता है तो उसकी ताबीर उसके लिए अच्छी साबित हो सकती है, इस चीज़ की अलामत है। वैसे ख्वाब में मसूर की दाल देखना, पकी हुई देखना या कच्ची देखना, इसकी अलामत अच्छी नहीं है। मौजूद सामिन कराम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो इसे सदका जारी समझ कर लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह पाक आपके हामी नासिर हों। जज़ाकल्लाह।